हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपको लेके गया हूँ बुलेट ट्रेन का एक नया अपडेट दिखाने के लिए। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नवसारी का कास्टिंग यार्ड है, यहाँ पे सिगमेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं बुलेट ट्रेन से रिलेटिव। और भी सिगमेंट वगैरह बड़ी बड़ी मशीन है, यहीं पर उनको तैयार किया जाता है, यहाँ से उठा के उनको लॉन्चिंग किया जाता है सिगमेंट वगैरह को। दोस्तों, तो यहाँ का काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, इसलिए आप देख सकते हैं पूरा जो कास्टिंग यार्ड है उसको डिसमेंट। तो गाइज, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो मशीन वगैरह है सबको मतलब खोल के उनको डिसमेंटल करके उनको अदरवाइज ले जाया जा रहा है, जहाँ पे दूसरा लॉन्चिंग का काम चलेगा, दूसरा यार्ड होगा वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा यार्ड था, यहाँ का काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ का कैसा काम बाकी है और आगे पूर्णानंदी पे कितना काम हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों, मैं बैक कैमरे से और इसका नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखना, जरा भी मिस मत करना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना, क्योंकि बुलेट ट्रेन से रिलेटिव अपडेट आपको देखने को मिलते रहे। इधर से तो जा रहा है ये अहमदाबाद की तरफ, यहाँ की सामने लगभग ऐसे 2 किलोमीटर की दूरी पे पूर्णा रिवर, जहाँ पर उसका ब्रिज पिछली बार आए थे जब अधूरा था, और अभी हम पता करेंगे पूरा बन के कम्प्लीट हो गया या फिर उसका काम बाकी है। और यहाँ पर सारे जो स्पैम वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पूरा का पूरा एरिया खाली हो गया है। और ये सब गार्डर लॉन्चर मशीन है, इनको यहाँ पर उठा के दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो पुलर मशीन होती है, इन पर रख कर ले जाया जाता है। और यहाँ पर पूरा अभी जो आप देख सकते हैं सामने, ये इस पर पूरा का पूरा कंप्लीट है, वाइडेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट है। और यहाँ पर अभी फिलहाल एक भी सिगमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो था उनको भी यहाँ से उठाया जा रहा है अभी क्रेन मशीनों द्वारा। दोस्तों, देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये पूरा एलएनटी कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर काम कम्प्लीट है, खाली ऊपर फटने का काम बाकी है और साइड में ग्रिल लगाना बाकी, ग्रिल का काम चालू। उधर से आप दिख रहा होगा ग्रिल का काम लगता हुआ रहा आगे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ट्रेडल मशीन, जो कि भारी भारी जो सिगमेंट होते हैं ना, स्पैम को उठाकर यहाँ पर लाती है, और एक बड़ी वाली क्रेन मशीन है जो उठाकर उनको ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है। तो एक एक स्पैम को उठाने में कितना समय लग जाता है भाई, ऊपर सेट करने में? लगभग 30 से 40 मिनट लगती हैं। पूरा काम कंप्लीट हो गया ना यहाँ का अभी, और यहाँ से भी जो आगे वाला यार्ड है उससे कैसे काम चलेगा अभी, क्योंकि उधर पूरा लॉन्चिंग का काम बाकी है ना अभी। ये लास्ट है, इसको ले दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ना, इसको ले जाकर वो गटर है ना उसको हाईवे के पास ले जाना है ना, उस बाजू को हटा दिया जाएगा, फिर ये दोनों है ना जी। जी ऊपर देखिए, ऊपर लोड करेगा अभी, जैसे नहीं होगा। यहाँ पर अभी ग्रिल वगैरह लगाई जाएंगे ना पूरे इस पे, अभी रेलिंग ग्रिल सब लगाएंगे, केबल डक लगेगा। इसका जो खास मटेरियल, जो रेलवे की पटरियां बनेंगी, इसका जापान से आएंगी ना पटरियों का सामान, पूरा पूरा जापान से आएगा। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीकी से आपको दिखा पा रहा हूँ, पूरी लॉन्चर मशीन है सब अलग अलग, और एक ये डिसमेंटल वो वाला एंट्री बनेगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो वाला पार्ट। नहीं, हाइट इसके टायर देख सकते हैं दोस्तों आप अभी, फिलहाल अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है ना, और अभी हम लोग इस तरफ जाने वाले हैं, यहाँ पर पूर्णा नदी है, उसका अपडेट अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों,
तो गाइस यहाँ का नज़ारा आपने देख लिया है, पूरा यार्ड था यहाँ पे जो कि सीमेंट वगैरह यहीं पे तैयार किए जा रहे थे। दोस्तों अभी हम निकलने वाले हैं इस रास्ते से और रास्ता काफ़ी ख़राब है और कैसा कैसा रास्ता पड़ता रास्ते में सब आपको मैं बनाते हुए वीडियो पूरा लाइव बनाते हुए लेते चलूँगा पूर्णा रिवर तक का पूरा अपडेट आपको दूंगा दोस्तों। और यहाँ का काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, देख सकते हैं अब रास्ता कितना ख़राब है। आगे का काम पूरा जो कम्प्लीट जितना हो चुका है वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो गाइस वीडियो में आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी पूरा काम हमें कंप्लीट देखने को मिल रहा है दोस्तों। काम जो बाकी रह जाएगा जो पूर्णा रिवर के ऊपर जो गार्डर लॉन्चिंग का काम है वो चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे आगे तक मैं आपको लेके चलूँगा और काम तो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है क्योंकि काम कंप्लीट हुआ है तभी जो ये यार्ड था यहाँ का नवसारी का यार्ड था उसको डिसमेंटल कर दिया गया है क्योंकि वहाँ का कोई काम बाकी नहीं है। जहाँ पे जितने गार्डर थे सबको लॉन्चिंग कर दिया गया है दोस्तों, तो वहाँ का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वो अभी मशीनें वगैरह सब खोलने का काम चालू था जो कि आप वीडियो में देखने को मिला होगा दोस्तों। तो मैं अभी सीधा जाऊँगा गाड़ी पर बैठ जाता हूँ और 1 से 1.5 से 2-3 किलोमीटर तक का अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा और काम लगभग पूरी तरह से कंप्लीट जैसा ही है दोस्तों। यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, चारों तरफ बाग बगीचे हैं और मैं जो वीडियो बना के दिखाया था आपको यहाँ से वीडियो बना के दिखाया था कि कास्टिंग यार्ड था जिसका काम कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। और ये बड़ी बड़ी मशीनें थी जिनसे ये जो आप देख सकते हैं ये सीमेंट वगैरह दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये सीमेंट 40 मीटर का सीमेंट होता है और इसका वेट की बात करें तो 970 टन इसका वजन होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 238 जो चैलेंज नंबर है 238 पिलर नंबर उसका 5 है। तो इसके बाद में आप देखेंगे सामने पूर्णा नदी है, हम लोग लगभग जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया था वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर चल के आ चुके हैं और ये पिलर नंबर 226 में है, पैकेज 238 ही चल रहा है और सेक्शन C2 का अपडेट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। हम यहाँ पर आते हैं ना जब भी तो आपको हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि सच में हमारे भारत में कुछ गर्व की चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि हमें देखने को मिलती है हमारे भारत में। धीरे धीरे पूरा विश्व देखिएगा ये बुलेट ट्रेन जब दौड़ेगी यहाँ पर तो पूरे भारत में धीरे धीरे इसकी परियोजना फैलती चली जाएगी दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों ये पूरा जंगली मतलब सब खेत खलियान है, लोगों के यहाँ पे किसान लोगों के यहाँ पे पिछले टाइम आते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग इधर से वीडियो शूट करते हुए ला रहे थे और यहाँ पर आके एक छोटा सा नाला है, यहाँ पर गाड़ी पार करना बहुत ही मुश्किल है जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी गाड़ी पार्क आगे लेके जा रहे हैं लेकिन गाड़ी जाना बहुत मुश्किल है आप देख सकते हैं। तो मुझे भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी तो मैं मोबाइल रख देता हूँ क्योंकि गाड़ी को उठाना जरूर पड़ेगा जब भी गाड़ी निकलेगी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर निकाल ली है आप देख सकते हैं और अभी हम जाने वाले हैं इस साइड में जो पूर्णा रिवर का जो काम है वो आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और आगे तक काम हुआ जैसे जहाँ से हमने इंट्रो दिया था वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके हैं और सामने है पूर्णा रिवर जिसका अपडेट खास तौर पे दिखाने के लिए हम लोग आए थे क्योंकि इससे पहले वीडियो बनाई थी उसके लिए काफ़ी टाइम हो चुका था। देखेंगे कि उतने दिनों में कितना काम कवर हो पाया है दोस्तों, कितना काम हो चुका है और जो उसके ऊपर जो ब्रिज का काम है वो कितना हो चुका है वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ का आज मौसम की बात करो तो बारिश का मौसम है, कभी बारिश हो जाती है कभी बंद हो जाती है तो वीडियो बनाने में बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। मैं बता दूँ इतनी दिक्कत हो रही है वीडियो शूट करने में, जितना आपको देखने में ईजी लगता है ना इससे हमें कई गुना मुसीबतें आती है वीडियो शूट करने में, कभी गाड़ियाँ फंस जाती है कभी हम कीचड़ में फंस जाते हैं दोस्तों पूरे के पूरे। तो यहाँ पर काम जैसे कि आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से कम्प्लीट है दोस्तों और काम कंप्लीट था तभी जो पीछे वाला यार्ड था उसको डिसमेंटल करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और कुछ कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं। ये भी बड़ी गाड़ी आएंगी इनको भी लेके जाएगी दोस्तों और सामने है पूर्णा रिवर का नया अपडेट।
गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ जो पुरना रिवर है उसके ऊपर जो काम था, जो बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज बनाया जा रहा था वो लगभग बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, जो कि मैं आपको नज़दीक लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो ब्रिज का काम है पूरी तरह से कम्प्लीट है। और इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी उसको करीब 2 से 2.5 महीने का टाइम हो चुका है, तो 2.5 महीने में कितना कवर हो पाया, कितनी जल्दी इसका काम हुआ है वो इस वीडियो में आपको आज दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आगे लेके चलता हूँ। और पुरना रिवर के बीचों बीच का भी मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी बारिश का टाइम है तो पुरना रिवर देख सकते हैं काफ़ी भर के आ रही है, मतलब पानी उसका ज़्यादा बहाव है दोस्तों, तो अभी मैं तो आपको लेके चलता हूँ। सो गाइस फाइनली जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेक्शन C2 का मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ और ये चैलेंज नंबर 239 पिलर नंबर 20। और यहाँ से तो बता दोस्तों इस जगह तक तो पूरा का पूरा ये इस टाइप का पिलर आता है चौरस वाला यानी, और जो पूर्णा नदी के अंदर है जिसमें इसमें टोटल 9 पेयर बने हुए हैं, 9 पेयर एक पेयर की डिस्टेंस लगभग 40 मीटर है और 9 इस पर यहाँ पर लॉन्च किए हुए यानी 360 मीटर लंबा ब्रिज। और इसको बनने में लगभग ज़्यादा समय नहीं लगा है, जनवरी 2023 में इसका काम स्टार्ट हुआ था ब्रिज का, और अभी टोटल 7 से 8 महीने के अंदर पूरा का पूरा ब्रिज बन के कम्प्लीटली हो चुका है। हालांकि ब्रिज का काम पूरा कम्प्लीट हुआ है, ऊपर अभी जो पटरी का काम है वो पूरा बाकी है, और ये पूरी पूरी बुलेट ट्रेन जो पूरा पूरा इलेक्ट्रिक होने वाली है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोल लगाने बाकी हैं, अभी काफ़ी सारा काम बाकी रहेगा। खाली जो LNT का काम था पूरा ये उसके उसके ऊपर इंडियन रेलवे का जो काम होगा बाकी पटरी वगैरह वो काम बाकी रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जब देखते हैं ऐसा लगता है कि सच में कुछ ना कुछ हमारे भारत में नया है और भारत का भविष्य बदल रहा है दोस्तों। यहाँ से पूरा का पूरा कंटिन्यू आपको देखने को मिल पा रहा होगा, और कुछ दिन पहले आया था 2.5 महीने पहले तो आधा ब्रिज था यहाँ पर काम चल रहा था, मैंने उस जगह से वीडियो आपको बना के दिखाया था दोस्तों। तो उस जगह पर आप देख रहे हैं दोस्तों सामने है नेशनल हाईवे 48, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये पूरा नवसारी के सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। नवसारी की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है और ये सीधा जा रहा है अहमदाबाद की तरफ, और ये पीछे की तरफ जा रहा है सीधा मुंबई की तरफ। आप दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग इस तरफ से वीडियो शूट करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग आ चुके हैं, नवसारी का कास्टिंग यार्ड था, और यहाँ पर अभी सारा का सारा काम बंद हो चुका है फाइनली। और यहाँ देखेंगे दोस्तों पिलर की मजबूती, बहुत ज़्यादा मजबूती यहाँ पर ली जाती है क्योंकि ये लगभग मैक्सिमम 200 साल तक इसका कुछ नहीं होने वाला है, 200 साल मैक्सिमम उसके 200 साल भी चल सकता है, 250 साल भी तक इतनी ज़्यादा मजबूत इसकी ली जाती है। हालांकि आपने ब्रिज देखे होंगे मैक्सिमम इनकी जो म्याद होती है लगभग 100 साल की होती है, 120 साल की होती है, लेकिन इसकी जो मजबूती है उससे डबल यानी 1.5 गुना 2 गुना ली गई है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी इनमें सब में यूज की जाती है दोस्तों। ये देखेंगे पूर्णा रिवर है और इधर सीधे जाती है समुद्र में जाके मिल जाती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर आपको थोड़ा मैं पानी के पास लेके चलूँगा, एकदम पानी का बहाव कितना है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये 507 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है अहमदाबाद से मुंबई के बीच तक का दोस्तों, ये लगभग 2.25 घंटे में कवर किया जाएगा, जो कि जब बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी तो अहमदाबाद और मुंबई का जो सफ़र रहेगा सिर्फ 2 घंटे का रहेगा बुलेट ट्रेन से दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इतना टाइम इतनी मतलब इतना डिस्टेंस और इतने टाइम में कवर कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बुलेट ट्रेन हमारे भारत में दौड़ेगी जिसका सिर्फ आपने विदेशों में सुना था, तो कुछ ही दिनों में 2026-27 तक हमारे भारत में भी दौड़ने लगेगी बुलेट ट्रेन दोस्तों। और अभी मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ आपको, तो दिखाता हूँ पूर्णा रिवर का बहाव कितना है। अभी बारिश का टाइम है तो पानी लगभग ज़्यादा ही भर गया है दोस्तों, और देख सकते हैं सामने NH 48 हाईवे आपको दिख रहा होगा। गाइज मैं आपको बता दूँ जो मेरी अगली वीडियो थी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं इससे पहले जो मैंने वीडियो बना के डाली थी मेरे YouTube चैनल पे, जो कि आप जाके देख सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ जो आप देख रहे हैं वो तीसरा पिलर वहाँ तक ही उसका काम कंप्लीट हुआ था, और 2 से 2.5 महीने में इसको पूरा कवर कर दिया गया है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ के वर्कर्स वगैरह सारे जा चुके हैं क्योंकि काम पूरा फिनिश हो चुका है, तो उनका कोई काम नहीं है, उनको आगे जो अदरवाइज आगे कहीं पर काम चालू हो वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये मुंबई तक तो काम काफ़ी बाकी है मैं आपको बता दूँ, और यहाँ तक मैं आपको वीडियो बना के दिखा चुका हूँ। यहाँ पे काम जो लॉन्चिंग मशीन लगी हुई थी जाके आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं, तो 2-2.5 महीने में काम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। और सामने है पूर्णा रिवर जिसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है दोस्तों, और इसके ऊपर ये जो 360 मीटर का जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसका नज़ारा स्टार्ट कर लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया एक बुलेट ट्रेन का नया अपडेट, जिसमें आपको कास्टिंग यार्ड दिखाया हो, जिसमें जो कास्टिंग यार्ड का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ का जो मशीनें वगैरह है लॉन्चिंग वगैरह सबको मतलब हटा दिया गया है, वहाँ का काम पूरी से कंप्लीट हो चुका है। और फाइनली मैं लेके आया हूँ आपको पूर्णा रिवर जिसका काम
पूरी तरह से कंप्लीट है, ब्रिज बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये 360 मीटर का ब्रिज है दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाई थी, उसमें सिर्फ ये 3 पिलर वहां तक ही उसका काम हुआ था, उससे आगे ये 2-2.5 महीने में कवर करके पूरा कंप्लीट कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बुलेट ट्रेन मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे और WTF से रिलेटेड अपडेट आपको देखने को मिलते रहेंगे मेरे YouTube के चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।